मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, ता चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देखिए ये अम्बाला छावनी मेरे शहर का मुख्य चौराहा है, इसको सदर बाजार चौक कहते हैं। मैं 50 साल से इसी चौक पर कभी इधर कभी उधर कभी उधर बैठ के मित्रों के साथ, नो पॉलिटिक्स, यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग भी बैठते हैं, सभी बैठते हैं, हम गपशप करते हैं। और ये गपशप कैंपेन के दौरान भी, जब उम्मीदवार सुबह 6 बजे लोगों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर देते थे और मैं यहीं होता था, मैं तो चौक को कभी नहीं छोड़ा। मैंने चुनाव लड़ा है, हरियाणा का सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, ता चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देखिए ये अम्बाला छावनी मेरे शहर का मुख्य चौराहा है, इसको सदर बाजार चौक कहते हैं। मैं 50 साल से इसी चौक पर कभी इधर कभी उधर कभी उधर बैठ के मित्रों के साथ, नो पॉलिटिक्स, यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग भी बैठते हैं, सभी बैठते हैं, हम गपशप करते हैं। और ये गपशप कैंपेन के दौरान भी, जब उम्मीदवार सुबह 6 बजे लोगों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर देते थे और मैं यहीं होता था, मैं तो चौक को कभी नहीं छोड़ा। मैंने चुनाव लड़ा है, हरियाणा का सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा।